हमेशा असम अरुणाचल का बॉर्डर का बारे में हमने सुन के आता है, जहाँ बॉर्डर से बिलोंग करता है हम लोग, जहाँ का बॉर्डर का जो है हम लोग हरस करके छोटा से लेके बड़ा हो चुका हूँ। ये राजनीति चला रहा है हम लोग का बाउंड्री को ना, राजनीति चला रहा है अपना जमीन को ना, राजनीति नहीं खेलने से ठीक है क्या? दिमाग दिमाग से खेलने से ठीक है? एरिया का मुताबिक से बोलने से तो हम लोग तो चाहता है कि 3 महीना में हो जाओ, ये काम को जल्दी से जल्दी करना चाहिए। क्यों 7 मंथ लगाएगा, इसको तो 1-2 महीना में करना चाहिए। बॉर्डर एरिया जो स्टूडेंट्स और अरुणाचल प्रदेश जो है ये एक नया लग रहा है, तो ये कब फॉर्म हुआ? एक्चुअली ये जो आप मेरा सेशन को बताएगा, हम लोग का एस्टेब्लिश जो है 2018 को हो चुका था, और मैं भी एक समय में अपसू बोल के एक था ना, अपसू ऑल अरुणाचल प्रदेश बॉर्डर स्टूडेंट यूनियन था ना, उसका मैं पापुमपारे डिस्ट्रिक्ट का जनरल सेक्रेटरी भी रहा। जनरल सेक्रेटरी रहने का बाद में मैंने देखा, मैंने अपने आप को मैंने बहुत नोटिस किया, हमारे जो बॉर्डर से बिलोंग करता है मैन ऑफ कुल, जहाँ बॉर्डर से बिलोंग करता है हम लोग, जहाँ का बॉर्डर का जो है हम लोग हरस करके छोटा से लेके बड़ा हो चुका हूँ, हमेशा असम अरुणाचल का बॉर्डर का बारे में हमने सुन के आता है। तो हम लोग का गवर्नमेंट तो कोई भी ऐसा, इवन अभी तो बहुत सारा प्रोजेक्ट क्या क्या निकला है पता नहीं, अभी तक तो शुरू नहीं हुआ है। अगर वहाँ से हम लोग का रास्ता भी होता तो हमको असम में आके एक माचिस तिल्ली भी खरीदने के लिए ज़रूरत नहीं था। हम बीमार होगा तो ईटानगर में हमको मेडिकल पहुँचाएगा ट्रिम्स में, तो हम असम को पार करेगा। देयर आर लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम इन आवर बॉर्डर इन द डिस्प्यूटेड एरिया पीपल, वहाँ में इतना प्रॉब्लम्स है जो हम लोग चाह के भी नहीं कर पाता है। तो इसलिए मैंने भाषा फॉर्म किया, मेरा साथ में मेरा ताना अतुम सर जी है, मेरा फाउंडर है, आज बेचारा वो नहीं आ पाया, तो उसने बोला बॉर्डर का लड़का लो। हम अभी जितना भी है ना प्रॉपर फॉर्म दिए बॉर्डर लड़का ही है, जितना भी है डिस्प्यूटेड एरिया का ये लड़का लोग। तो मेरा ख्याल से मैंने ये मेरा 6 ईयर्स का ट्यूनर में मैंने बहुत सारा काम किया, जैसे लोंगडिंग में गया, लोंगडिंग का इंस्पेक्शन किया मैंने, वहाँ में किस तरह से रह रहा है आदमी कैसा है, वहाँ में थोड़ा ठीक है। नमसाई गया, चंगलंग गया, पासीघाट गया, पासीघाट में व्यतीत किया। सबसे ज़्यादा मेरा प्रॉब्लम में टॉपिक से मेरा पापुमपारे एरिया है और लोअर सियांग डिस्ट्रिक्ट, ये दो डिस्ट्रिक्ट जो कभी भी मतलब मैटर सॉल्यूशन नहीं होगा मेरा ख्याल से अंदाज में, क्योंकि यहाँ में ऐसा चीज़ है जो हम लोग ना एकदम नियर भी ऑफ द असम ना पीपल, असम एरिया का सामने में हम लोग रहता है, तो रहने का बाद में उसमें तो थोड़ा हो जाता है, ट्राइबल आदमी है वो तो कुछ ना कुछ तो निकलता ही है, कंट्रोवर्सी निकलता ही है, लेकिन हम लोग का कमजोरी वही है क्योंकि हम लोग भी हम बोला है ना माचिस खाती है, माचिस का ना एक तिल्ली लेना भी तो असम में जाके लेना पड़ेगा, दवाई एक तो जरूरी है ना तो भी असम में जाके लेना पड़ेगा, क्योंकि हमको एंटायर अरुणाचल का रोड ही नहीं है, रोड कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम है, रोड कम्युनिकेशन है ही नहीं हम लोग का। अगर एंटायर अरुणाचल में रोड कम्युनिकेशन था हम तो 20 किलोमीटर आसाम को लुटेगा, सीधा बात है, तो रोड कम्युनिकेशन नहीं है हम लोग का। और हम लोग का जमीन को हम लोग काट के, मेरा परदादा मेरा पिताजी का पिताजी काट के उसको सफा करके हम लोग छोड़ छोड़ के ऊपर ऊपर आ रहे, तो आज हमको क्यों डिस्टर्ब कर रहे थे ना? मैं पेमा जी से भी, पेमा जी नहीं है, पेमा जी का जो पीए है कंगड़ा तपक, उसका साथ में भी मैंने डिस्कस किया है, बॉर्डर अफेयर का साथ में भी डिस्कस किया, उन्होंने हमको 3 डिस्ट्रिक्ट का सोल्यूशन दिखाया है। 3 डिस्ट्रिक्ट जो अभी जो गवर्नमेंट का जो था ना 14 अप्रैल से लेके कितना 11 सितंबर तक था, 11 सितंबर में जो मतलब गवर्नमेंट अपना अपना जगह का ये बना, हम लोग का यहाँ का पपुम का तपा तेज है जो MLA मिनिस्टर को बनाया, तो क्या हुआ है? कुछ नहीं हुआ है। तो उसमें 3 डिस्ट्रिक्ट को सोल्यूशन दिया है, जहाँ में वो क्या नाम था कुंसी सिद्धेश्वर का एरिया को, वो तो पुरपार तो वो तो जंगल एरिया है, तो जंगल एरिया है बोल के उसको मतलब वो लोग बनाया, उसमें एक बनाया वेस्ट कमेंग, एक पाकि केसंग, एक बनाया आपका लोअर दिबांग वैली, लोअर दिबांग वैली का आदमी मानता ही नहीं है, उसको भी हम लोग इंस्पेक्शन करके आया है।
हमने उसमें भी जाके पूरा ग्राउंड रिपोर्ट लेके आया है, उसको भी मानता ही नहीं। अरे कैसा होगा, उसमें एक नदी है, मान रहा ही नहीं वो लोग। और आपको बोलेगा नमसाई का, नमसाई का बात में तो क्या है, नमसाई में तो आप लेकांग को पकड़ो, ये को पकड़ो, उसमें तो क्या बोलेगा, अपना स्त्री को भी बात नहीं कर देगा वो सब। मेरा इतना ही है कहना है, मतलब वो सब नहीं बोलेगा। मेरा बॉर्डर में जो ना मेरा जो क्लियरिटी होता है, मैं अपील करना चाहता हूँ, मैं अपील नहीं, मेरा अभी जो काम करेगा मेरा ये काम करेगा, मैं तो रिटायर ले रहा हूँ, मैंने जो करना था मैंने कर चुका हूँ, उसका बाद नहीं सीख रहा है तो मेरा फाइल को भी हम इसको दे दिया, तो अभी जो करेगा ये करेगा। और मेरा ख्याल से उसमें हमको सपोर्ट चाहिए तो हम एक एडवाइज़र हिसाब से मैं इसको साथ दूंगा, कुछ नॉलेज ज़रूरी है तो हम दूंगा। लेकिन मैंने पूरा ग्राउंड रिपोर्ट मैंने पूरा ऑल ओवर अरुणाचल 13 डिस्ट्रिक्ट होता है हम लोग का, मांदोरी में 13 डिस्ट्रिक्ट 13 MLA कोर्टिन MLA होता है उसको, कैपिटल को पकड़ने उसको सभी को हम ठीक ही है। मतलब इसको यही कहना चाहता हूँ कि ये भी करेगा, और मेरा सोच यही है कि आगे बढ़ो, बोरदार के लिए कुछ करो, और डिस्प्यूटेड एरिया में जो जो प्रॉब्लम है ना वो हम भी सहा, ये भी सहा, ये भी तारासो का है, ये लिकावाली का है, दुर्पाई का है, ये भी बहुत सहा, ये भी जानता है, गालो होने से भी ये भी जानता है उसका जगह में क्या होता है, ये भी जानता है तारासो क्या प्रॉब्लम है, हम जानता है काकोई का क्या प्रॉब्लम है, जो हम लोग छोटा से देख के आए ना। तो उधर में मेरा कितना 3-4 तो एविक्शन भी हुआ है, 1997 से लेके 2002 तक इतना एविक्शन हुआ है हम लोग का ज़मीन को असम लूट के, असम फॉरेस्ट लूटा है। तो ऐसा बात है, तो मैं यही कहना चाहता हूँ आप लोगों को, लॉट ऑफ थैंक्स है ना। अभी जो भी होगा इसका अंदर से चलेगा, ये जो चाहेगा वही करेगा। अभी पपुम परे एरिया में खास करके बॉर्डर जो बाउंड्री डिस्प्यूट है वो हो जाना था, लेकिन अभी 6 महीना का समय दिया है, अभी हार्डली 4 महीना ऐसा कुछ है, तो इसमें आपको क्या लगता है ये जो सॉल्व नहीं हुआ है अभी तक, इसमें क्या वजह हो सकता है, क्या पब्लिक का ना किसी गवर्नमेंट का तरफ से जो जॉइंट सर्वे जो कमिटी है उनका तरफ से ये डिले हो रहा है ना, पब्लिक का कमी का कारण ये जो नहीं बन पाए अभी तक सॉल्व नहीं हो पाए। आप तो बॉर्डर एरिया स्टूडेंट्स अरुणाचल प्रदेश में रह चुके हैं, तो आपको क्या लगता है? आई थिंक दैट इज़ द कमिंग इन द पॉलिटिकल ग्राउंड, क्योंकि हम तो डायरेक्ट सीधा सीधे बोल देगा ना, ये राजनीति चला रहा है हम लोग का बाउंड्री को ना, राजनीति चला रहा है। पहले लास्ट ईयर को अप्रैल महीना में, वो भी मेरा वजह से हुआ है, तोराजान में लफड़ा हुआ है, उसमें असम का आदमी आके अरुणाचल का वो नाकुम सकुम क्या बोलते हैं ना, हम लोग का खेती का घर नहीं बना था, वो लोग को जला के मिट्टी को कब्जा करने के, तो हम लोग भाषा टीम उधर गया है। हाँ, अकुल गोगोई का उसका ये आदमी है बोला है ना, क्या बोलता दाइना हाथ है बोला है वो, तो उधर जाके हमने उसमें कुछ रिपोर्टिंग बनाया, रिपोर्टिंग मतलब सिर्फ मोबाइल कैमरा से लेके नेक्स्ट 3 देश का आदमी नमसाई में जाके वो लोग डिक्लेरेशन करता है, CM साहब जो 3 देश का बाद में डिक्लेयर करता है कि असम अरुणाचल बाउंडर को इंस्पेक्शन होना पड़ेगा, DRDO वहाँ से आएगा, दिल्ली से आएगा, जॉइनिंग कमेटी आएगा, फिर यहाँ का MLA मिनिस्टर और यहाँ का जो भी पंचायत लीडर है वो लोग साथ देना पड़ेगा। ओके, दैट इज द फाइन किया। उसका बाद फिर करने का बाद में 11 सितंबर का बात समय दिया, 11 सितंबर बाद में वो तो कुछ भी नहीं कर पाया। और अभी जो कर रहा है बोरदार का किले जो भी कर रहा है वो जो एक्चुअली बोलने से हम तो राजनीति सोचता है, और मेरा ख्याल से ना अपना मातृभूमि को अपना जमीन जायदाद अपना जमीन को ना राजनीति नहीं खेलने से ठीक है क्या, दिमाग से खेलने से ठीक है। वहाँ में मेरा बाप दादा मर के इतना खेती करके ना, मेरा जमाना मेरा पिताजी का पिताजी वहाँ में बेचने वाला है, वहाँ से खेती करके जंगल था, जंगल को काट के खेती बनाया है ना, खेती बना के सफा करने का बेचने वाला आदमी को आज असम जो गूगल, वो जमाना मेरा हम लोग का यह नहीं था, गूगल से अभी देखो तो 7-8 किलोमीटर अंदर में घुसा के बात करता है,
और राजनीति खेलना है तो ये सब चीज़ को लेकर राजनीति नहीं खेलने से बेस्ट है। बासा का नया नया प्रेसिडेंट बना, तो आज किन किन लोग जो है आपका बासा में एग्जीक्यूटिव मेंबर्स है जो आज स्वेयरिंग हुआ, आप जरा मतलब बता दीजिए। आप मेरा जो एग्जीक्यूटिव मेंबर्स है मैंने इस तरह से अपॉइंट किया है, मैं तो प्रेसिडेंट हूँ, ये जनरल सेक्रेटरी गामकेन ताई जो फॉर्मर था, जो ये है हमारे लिकाबाली से है, और ये है फॉर्मर प्रेसिडेंट श्री चेरा पीटर जो काकोई से होते हैं। कन्वेनर मैंने नाबम कुदू को जो दोईमुख से है उसको अपॉइंट किया है। फिर वाइस प्रेसिडेंट वेस्ट से मैंने तोक डोमिनिक जो तारासो से है उसको अपॉइंट किया है। वाइस प्रेसिडेंट ईस्ट कंपुंग वांगसू है, लोंगडिंग डिस्ट्रिक्ट का है। आईपीआर सेक्रेटरी केनलोक मुरी है, लिकाबाली का है। एजीएस वेस्ट श्री सोंगवांग लुआंग तिरप का है, तिरप का लड़का है। और एजीएस ईस्ट श्री निदोजुन ये दोलुमुख का लड़का है। तो ऐसे करके बहुत सारा मैंने पोस्ट दिया है लड़का को जो जो बॉर्डर का बॉर्डर एरिया से बिलोंग करता है, ओनली फ्रॉम बॉर्डर एरिया। मैंने यहाँ पे किसी को ऐसे पोस्ट नहीं दिया कि वो कहीं कोई पाकिस्तान का हो। मैं किसी डिस्ट्रिक्ट को नहीं बोल रहा हूँ कि वो उधर से नहीं बनना चाहिए। जो सेटलमेंट बॉर्डर एरिया में है मैंने उसको रेस्पेक्टेड पोस्ट दिया है ताकि वो लोग समझ सके हाँ ये बॉर्डर के लिए काम करने के लिए हमको अपॉइंट किया है और मैं बॉर्डर का इशू को जानता है वो लड़का लोग। जैसे मैं तारासो का हूँ, ये लिकाबाली का है जीएस, अच्छा से जानता है बॉर्डर में क्या क्या इशू होता है, क्या रेस होता है वहाँ पे। असम का जो हम लोग का नेबोरिंग स्टेट है असम का ऐसे ही प्रॉब्लम आता है हम लोग को, तो असम को कैसे डील करना है कैसे करके एडवाइज़र है बहुत बड़ा बड़ा आदमी को हम लोग ने बॉर्डर एरिया से ही एडवाइज़र रखा है, वेस्ट ईस्ट से हो गए 3-4 एडवाइज़र रखा है ताकि हम लोग को जब भी ज़रूरत पड़े हम लोग उनसे पूछताछ करके कंसल्ट करके हम लोग इशू को सोल्व करने के लिए गए। अभी आपका एरिया जैसे कि आप तारासो से बिलोंग करते हैं तो तारासो में भी ऐसे कई सारे 2-3 जगहों पे बॉर्डर का थोड़ा डिस्प्यूट का प्रॉब्लम है, तो आपको लगता है आपका तारासो पब्लिक कितना साथ दे रहा है और क्या ये 6 महीना का अंदर में आपका तारासो एरिया का सॉल्व हो जाएंगे लगता है आपको? ये डिपेंड करता है जो रीजनल कमिटी बनाया गया है उन लोग का स्पीडी वर्क का मुताबिक ही ये रिजॉल्व होगा। इसमें ऐसे नहीं कि 6 महीना दिया है कि उसमें 6 महीना का अंदर में ही होगा। जो रीजनल कमिटी है असम अरुणाचल के कमिटी बनाया गया है इस पर हमारे एजुकेशन मिनिस्टर तबा तदिर है और हमारे 14 दोईमुख का MLA ताना हाली जी है और 13 ईटानगर का अच्छी कासो जी है। तो उन लोग का स्पीडी वर्क का थ्रू से उन लोग का गाइडेंस है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का गाइडेंस है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन अभी फिर सर्कल लेवल का CO को ऑर्डर, उसका जो मेंबर्स है जो कमिटी पे है उन लोग को उन लोग प्रेशराइज करना पड़ेगा विद गाइडेंस। माने उन लोग का जो एरिया होता है एरिया का जो हम लोग जैसे सेटलर्स है उन लोग को बात करके तारासो से है बोलने से तारासो का आदमी का जो रहन सहन है और वो कहाँ तक ये करता है कहाँ तक उन लोग चाहता है उसको देख के एक अंदर ही अंदर स्पीडी वर्क करके ये सेटलमेंट होगा। इसमें ऐसे बात नहीं है 6 महीना दिया है विद इन 6 महीना में होगा बोल के, ये डिपेंड करता है हमारे जो हाई लेवल मेंबर्स लोग जो रीजनल कमिटी उन लोग का स्पीडी वर्क से ही ये होगा। एरिया का मुताबिक से बोलने से तो हम लोग तो चाहता है कि 3 महीना में हो जाओ, क्यों 6 महीना लगाएगा, 1 महीना में हो जाओ हम लोग चाहता है। बट द प्रोसेस ऐसा है कि कुछ चीज़ ऑफिशियली टाइम लग जाता है उसका वजह से कुछ हो सकता है। मेरा तरफ से तो वही रिक्वेस्ट रहेगा कि ये जो रीजनल कमिटी कंडक्ट किया गया है वो तो असम से भी और इधर से भी, तो हम लोग का यहाँ से जो रीजनल कमिटी में है उन लोग ये काम को स्पीडी करना से ये बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा। और हम लोग एज ए प्रेसिडेंट हम तारासो से ये बोलता है कि ये काम को जल्दी से जल्दी करना चाहिए, क्यों 6 मंथ लगाएगा, क्यों 7 मंथ लगाएगा, इसको तो 1-2 महीना में करना चाहिए। बहुत सेंसिटिव है जो सदियों से पेंडिंग रहा है जो इसको स्टेप उताया गया है, तो अभी जो पेमा कांडू का गवर्नमेंट का उसका मुताबिक में तो वो स्पीड काम करता है बोला है, तो इसको स्पीड में ही सॉल्व करना चाहिए। बहुत माने इसमें ज़रूरी है माने ये काम जो नहीं होने से ये कभी सॉल्व नहीं होगा
हमको तो लगता है सदियों तक सॉल्व नहीं होगा। इस बार जो रीजनल कमिटी बनाया गया है जो स्टेट गवर्नमेंट ने, उनको मैं बिलीव करता है बिफोर 6 मंथ ख़त्म करेगा, मेरा तरफ से वही कहना है। रीजनल कमिटी अपना काम तो कर रहे हैं, लेकिन कुछ कुछ ये जो है आपको जानता है, यहाँ पे गिव एंड टेक पॉलिसी है। कुछ ज़मीन असम से लेंगे तो कुछ ज़मीन अरुणाचल से भी देना पड़ेंगे। तो यहाँ पे सेटलर्स जो है, गांव वाले लोग जो है, पब्लिक जो है, अपना ज़मीन देने का नहीं मांगता है। तो इसी के कारण जो है ये डिले हो रहा है। तो रीजनल कमेटी भी क्या करेंगे जब कोई ज़मीन देने को नहीं सोच रहे, तो नहीं मान रहे, असम को भी कुछ ज़मीन देना पड़ेगा या तो असम वाला कुछ ज़मीन देना पड़ेगा। तो यहाँ पे पब्लिक का ही, पब्लिक ही नहीं मान रहे अपना ज़मीन देने को, तो ऐसे उनसे रीजनल कमेटी कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए, बहुत अच्छा सवाल किया है। इस पे बात ऐसा है कि इस पे जो मेंबर्स है, हम लोग का जो सर्कल लेवल का हेड कौन है, CO होता है। CO जो एक नोटिस इशू करके ZPM को, उधर का जितना जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है, उधर का एरिया यूथ है, उसको कंडक्ट करके इसमें मीटिंग करना चाहिए। मेरा देखने का नियंत्रण मीटिंग करने का बाद उधर में ऐसे है, गिव एंड टेक पॉलिसी आपने बोला, थोड़ा मैं देता हूँ थोड़ा आप दीजिए, ऐसे है। तो कुछ कुछ जगह पे अभी हम लोग सेटल हुआ है 1967-68 ऐसे में हम लोग उधर में सेटल हो गया, जो जो जगह को क्लेम कर रहा है असम को नहीं देगा उधर, तब से देखो करके आ रहा है। तो उसमें तो थोड़ा सा तो रीजनल कमेटी भी उसको देख के, जो CO है उन लोग का, जो रेस्पेक्टेड सर्कल का CO है, उन लोग मिल के इसको एक प्राइवेट मीटिंग पहले करना है, जो कि मीडिया में नहीं आना चाहिए, प्राइवेटली जो बस्ती में करना है विद द पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स एंड द हेड गांगबुरास ऑफ दैट सर्कल। तो ऐसे करके उधर में सॉल्व किया जा सकता है कि आप हम लोग को ये मिट्टी को असम को थोड़ा सा डोनेट करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है तारासो में भी या तो कहीं भी बोलो, मिट्टी ऐसा नहीं है कि कुछ कुछ पार्ट असम को भी थोड़ा बहुत तेल दिया, तो वो चीज़ को देख के एलिफेंट कॉरिडोर जब मांग रहा है, तो हम लोग यहाँ पे उसमें माने ऐसे वो पब्लिक का भी इसमें योगदान रहना चाहिए सेटलमेंट के लिए। पब्लिक अगर हमको उतना चाहिए बोलने से, उसका डिजायर से तो फुलफिलमेंट नहीं होगा। तो मैं मेरा तरफ से जो अपील रहेगा पब्लिक को भी, और मैं तो कुछ तरासों का ही हूँ, मैं ये सोचता हूँ कि इसको DC लेवल से एक ऑर्डर जारी करके CO को ऑर्डर करके ZPM का लेवल में एक मीटिंग बैठ के इसको पब्लिक का साथ म्यूचुअली सेटलमेंट करना चाहिए कि आप यहाँ से ऐसे कीजिए, यहाँ से ऐसे कीजिए, ऐसे होने से स्पीड होगा, वही है मेरा काम। तो आप हमने सुना कि आप इस पे भाषा में पहले से थे, तो ये भाषा जो है कब फॉर्म हुआ? वैसे तो मैंने आपका फॉर्मर प्रेसिडेंट को पूछा था, उसने शायद भूल गया होगा बताने में, तो आप बता दीजिए अभी भाषा कब फॉर्म हुआ और आप कौन सा पोस्ट में था? भाषा एक्चुअली 2018 को फॉर्म हुआ है, 2018 को हेड ऑफिस हम लोग का ईटानगर में है। तो मैं 4 साल इसमें काम किया, 4 साल IPR में मैंने काम किया है। तो IPR में काम करने के बाद इसके जो मेरा फॉर्मर प्रेसिडेंट का साथ मैंने काम करके सीखा है बाउंड्री इशू को कैसे करना है, कैसे देखता है, कौन सा है मैं ये करता है। और मेरा पास तो बचपन का है, हम बचपन से बाउंड्री इशू में है, इसलिए मैं देख के मतलब ये भाषा को सपोर्ट करता है। जो दूसरा जो बॉर्डर के लिए काम कर रहा है, मैं उसको काम नहीं करता है और उन लोग का बेकार है ऐसे नहीं बोलते हैं। आप जेन्युइनिटी ऐसे होना पड़ेगा ना, भाषा हो कोई अपसुक या कुछ है, वो सब मैटर नहीं करता है, काम कौन कर रहा है वो मैटर करता है मेरा तरफ से। तो मैं 4 साल रह के आज प्रेसिडेंट पोस्ट लेके आया हूँ, तो मेरा जो ये टेन्योर में हम क्या कर सकता है आप लोग देख लीजिए। उसको मैं अभी बोल दूंगा तो कल को नहीं कर पाऊंगा, तो मेरा भी वो रहेगा, इसलिए मैं सिर्फ आप लोग देखते रहिएगा कि मैं क्या कर सकता हूँ।